एक दूजे के वास्ते अरे अभी तक खड़े क्यों हो? आओ ले जाओ कुछ खाओ बेटा बेटा आओ अरे सुमन जगा दे तुम्हारी हॉट सीट रेडी है बैठो बैठो तुम यहां क्या कर रहे हो कंचन ने बुलाया बस देखते जाओ बहन का डमरू का देविका का सबका बदला लेगी रे कंचन अरे बाबा वो ठसका लग गया बेटे को पानी पिलाओ अरे अरे आंटी मैं हूं ना नो मारी कोई बात आराम से पी पिला दो भाई दम घुटा सांस रुकी फिर शायद बैंड बजी नहीं नहीं भाग जाऊं ये लोग मेरे सपनों वाले भूत बन करके ही मानेंगे श्रवण बेटा जो मैंने बुक्स दी थी वो पढ़नी शुरू की आपने जी अंकल पानी पी लो अरे मेरे होते हो तुम खुद कैसे पी सकते हो मैं पिलाती हूँ पियो 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 अब जब माहौल सेट हो ही गया है तो मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए सरप्राइज बता देती हूँ जिसका मेन एलिमेंट है श्रवण मल्होत्रा मैं और श्रवण तुम और कौन बैठो 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 ताऊ जी आपने इसका एडमिशन करवाया था ना स्कूल में तो आप तो सुनोगे ना तो एकदम हैरान हो जाएंगे और अंकल इसने आपका और अपना नाम इतना रोशन किया ना क्या ये बताऊं आंटी 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 आप तो सुनेंगी ना तो सोचेंगी क्या बेटा पैदा किया है मैंने हां जी सच्ची अरे वाह अपने इस खोते की इतनी तारीफ पहली बार सुन रहा हूं मैं इसीलिए बेटा बता दीजिए इसने मेरा सर ऊंचा कैसे किया है बताओ अरे हाँ खामा खा इतने लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है तो बात ये है कि कंचा वो मैं क्या कह रही थी अब मेरी कसम यहीं रुक जा कंचन ओहो तुम दोनों फुसफुसा बाद में लेना अब बता भी दो कि क्या किया श्रवण ने कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज डमरू भैया डमरू तुमने बताया नहीं आज तुम्हारा बर्थडे जन्मदिन मुबारक हैप्पी बर्थडे डमरू थैंक यू जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं डमरू
आप लोग थैंक यू दी. आप हमारी फैमिली हो और अंकल आपकी फैमिली है, तो सोचा कि आज के दिन आपकी पूरी फैमिली के साथ मिलके आपका बर्थडे मनाएं. कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी बेटा. श्रवण ने भी कुछ कमाल तो किया है. कंचन बता रही थी ना बात बीच में रह गई, बोल ना बेटा. ये सब श्रवण ने तो किया है. आई मीन डमरू के बर्थडे पे अंकल को केक के साथ बुलाने का आइडिया श्रवण का ही था. सर तुम ये बताने वाली थी? जी. दुश्मन ने? मुझे तो हमेशा से ही पता था कि श्रवण सबसे अलग है. तो एक कमाल है, कल तक तो मेरे बर्थडे के लिए घसीटते हुए ले जाना पड़ता था इसे मंदिर, और आज देखो डमरू के बर्थडे के लिए क्या कर दिखाया इसने. जी मेरा बच्चा है ही ऐसा. है नहीं, हो गया है कविता जी, और वो भी सुमन के स्कूल जाकर. एंड फॉर दैट ऑल थैंक्स गोज टू कन. सर झुकाने की जगह मेटल पहना दिया उसे. तूने बहुत गलत किया सुमन. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, श्रवण है ही बहुत अच्छा. है कहाँ वो, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्रवण मुंह छुपा रहा होगा कहीं. आई मीन अंकल बहुत शर्मीला टाइप का लड़का है ना, तो तारीफ सुनने से पहले ही कहीं छुप गया होगा. ऐसा कुछ नहीं है, हवनी के लिए कुछ करता है तो चार दिन तक सुनाता रहता है, और अब देखो यहाँ खरीद लेने के लिए है ही नहीं. नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ना अवनी को छेड़ता है बस, वरना तो अपनी माँ के कदमों पे ही चलता है. निकी कर दरिया में डाल. मिया मैंने पहले ही कहा था ना कि लैंड माइन पे पैर मत रखना, पर तू तो अपने बापू और उसके बापू दोनों के सर पे एक साथ कूद गया है ना. अब दोनों लैंड माइन एक साथ फटेंगे और तू उसी में मरेगा फूफ करके. भाई अब तू ही मेरा बॉम्ब स्क्वाड है, प्लीज बता यार क्या कर. बॉम्ब स्क्वाड? एक काम करते तू सब कुछ भूल जा और नाक की सीड पकड़कर कहीं दूर निकल ले. बेस्ट, समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? सही बोल रहे भाई, दुनिया छोड़ने से अच्छा कि शहर ही छोड़ देता हूँ यार. हाँ सही कह रही है, फटफटी तो तेरे पास पहले से ही है. और एक काम कर कि थोड़े से ना पैसे भी ले ले. हाँ ये देख 500 रुपए मेरे पास, बापू को एडमिशन की फीस बढ़ गई है ये बोल के मांगे थे, संभाल के रखियो. और बच्चे कुछ ये 10 रुपए, पूरे 510 रुपए ले ले और कहीं फरार हो जा. और बाकी के पैसे मैं ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर रही हूँ, तू टेंशन मत ले. जा जा निकल. भाई वॉरंट निकल गया, पापा का फोन है. अबे काट काट मेरे. नहीं नहीं एक काम कर इस स्विच ऑफ कर दे. बस मेरे. नहीं नहीं ये फोन को इधर रख, इधर इधर इस पत्थर से फोड़ देते हैं, डंबरी टीरस नहीं होगा. बस रख दे रख दे. पागल है क्या तू? आज ही नया फोन दिया है. तो एक कमाल है यार मेरा खोता, गालियां सुनने के लिए सामने हाजिर हो जाता है, अब सबाशी सुनने के लिए फोन भी नहीं उठा रहा है. यार बंटी तेरे दूर जाने का प्लान तो बहुत दूर का लग रहा है यार, कुछ जल्दी वाला आइडिया बताना यार. जल्दी वाला? वापिस का फोन है पापा. अबे इसको भी काट दे. नहीं 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 एक काम कर बजने दे, जितना बचता है बचने दे, बचते बचते बंद हो जाएगा. और फिर भी तू मत उठाइयो चाहे कुछ भी हो जाए, बजने दे बजने दे. क्या हो गया बंद? वो झूठा ना फोन ही उठाने वाला. पांडी को ट्राई कर. दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा. एक काम कर डमरू का फोन लेके आ. हाँ यार ये कंचन वाला आइडिया देने की सजा में हमें भी मौत मिलेगी जे नहीं मालूम. तो
नहीं नहीं फोन मत उठा, तुम क्या होगा मत उठा। अबे तुझे कैसे पता? नहीं अबे ये तो अननोन नंबर है, अननोन नंबर तो मैं पहले उठाता हूँ। अरे क्या पता कोई अनजान सुंदर कन्या का रॉन्ग नंबर होगा और मैं उठाऊं, तू देखना मजे ले तू। हाँ हेलो, खबरदार जो फोन कट गया तो अपने दोस्त को फोन दो। हाय सुमन, कैसी हो तुम? कैसे कैसे याद किया मुझे? तुम इंडियन टी हाउस पे हो ना? नहीं नहीं नहीं, तो किसने बोला? मैं नहीं हूँ। बड़े बड़े झूठ बोलने का सेंस है पर इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें। ऐसी जगह छुप के बैठे हो जहाँ बिना ढूंढे ही पकड़े जाओगे। डर के कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, किसने बोला मैं डर रहा था? मैं डरवर नहीं रहा था। बहुत ब्रेव हूँ मैं। हाँ अब मैं तो बस फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर घूमने आया था, बस ऐसे ही। तुम चाहो तो घर जा सकते हो, हमारे आपस के मैटर में मैं हमारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करने वाली हूँ श्रवण। अरे पर क्यों? घर पे बताना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैं मैटर नहीं करता क्या? इस फर्क ना पड़ने वाले एटीट्यूड से अच्छा तो तुम गुस्सा ही रह लेती यार। प्लीज स्टॉप, तुम्हारी ये बातें ना मुझ पे वर्क नहीं करने वाली। तो तुमने मेरे लिए गलत फहमी मत रखो। आपस में फैमिलीज ऑकवर्ड ना हो और मेरे पापा की फ्रेंडशिप अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने सिचुएशन संभाल ली। और हाँ, अपने पापा को कॉल बैक कर लो। बट सुमन मैं ना ओया और बार बार आई एम ब्रेव बोलने से ना कोई ब्रेव नहीं बन जाता। ब्रेव अपने एक्शन से बनते हैं, जो तुम क्लियरली नहीं। सुमन मैं तुम इस गोली बारूद वाली को कल फ्रेंड बना रही हो? अबे इसे तो तुम शादी की बात के लिए पूछो मियां। मैं तो बोलता हूँ सीधा पैर पकड़ लो, माफी मांग लो, जो बोलना करो। अरे मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो पता दिया होता अपने बापू को। मंटी लाइक तुम्हें सुमन को बहुत पहले से करता था यार। राज ना एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट जाग गई उसके लिए मेरे मन में। आज तक कभी फील ही नहीं किया किसी लड़की के लिए ऐसा। इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा दिल, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार। नहीं भाई मैं सुमन को खो नहीं सकता, नहीं खो सकता। मैं सुमन को मना के रहूंगा चाहे जो करना पड़े। ये बात मियां लेट हो जाएंगे कंचन, कितनी बार कहा है पहले मुझे जाने दिया कर नहाने। अरे 2 मिनट यार, तेरे 2 मिनट के चक्कर में ना स्कूल बस मिस हो जाएगी, जल्दी कर। सॉरी यार सोमो। क्या करूं इसका? चल जा जल्दी, हो गया वॉशरूम खाली। हाँ क्या हुआ, जाना? ये क्या है? कचड़ा है।
कलैन वक्त कहाँ गायब हो गया था तू? आज तक तुझे ठीक से जूस पीना तो आया नहीं, फिर डमरू की सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आइडिया कहाँ से है? सुमन ने बताया मुझे, तुझे होना चाहिए था वहां पर। डमरू अपने पापा को देखकर इतना खुश हुआ, देखने वाला नजारा था। भैया जी, कभी इस घर में भी वैसी पार्टी करो ना जी। अच्छा जी। हाँ जी। आपका भी जन्मदिन आता है? हाँ जी, मैडम जी को याद है जी। मना लेंगे जी, पर इस अच्छे से आइडिया को सोचने के लिए एक कप चाय मिलेगी? अभी लाई जी। थैंक यू जी। सच में मानना पड़ेगा शो, कल कलन साहब के घर में सारे बंदे तेरे आइडिया से बहुत ही इंप्रेस थे। And I was very happy. लो जी, आपने ना फिर से कंजूसी कर दी तारीफ करने में। मुझे पीठ थपथपाओ बेटे की, कहो पुत्र आई एम प्राउड। क्यों करूं जी, तारीफ तो फिर मेरी होनी चाहिए ना। तुम सबको आर्मी कॉलोनी में लेकर आया, उसी का तो असर है जी। हाँ, क्या बोलते हैं जी आप? हाँ जी, अब ये बात तो है ना। मेरी सोमो नाराजगी में ऐसा कर गई, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो जान छिड़कूंगा इस पे। मम्मा मेरा हो गया। और नाश्ता तो फिनिश कर। यार कोई भोग के तो बताओ यार। क्यों बे पुच्छल, पीछे से क्या काउं काउं कर रहा है बे? अभी मैंने अपना पॉज बटन दबाया हुआ, क्योंकि तेरी अकल ठिकाने लगाने से ज्यादा जरूरी कुछ काम कर रहा हूं। जिस दिन वो काम पूरा होगा ना, तब देख। मैं तो डर गया। वैसे तेरे भौंकने से पता चल रहा है कि तू कितना चल रहा है, लेकिन तुझे सहला के अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। हाथ तो लगा के देख, काट के ना।
दोस्त समझ के ना सही, बड़ी पड़ोसी या क्लासमेट समझ के ले लो, प्लीज ले लो। कल रिसेस के बाद सब बड़ी पेयर्स बड़ी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देंगे, तो फिर तैयारी करो और बढ़िया से रिपोर्ट लाओ, ठीक है? हाय, I'll see you. कंचा, I mean, कंचन, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ यार। उधर सुमन मुझे देख भी नहीं रही है और इधर तुम्हारी नजरें नहीं अटरी मुझसे। कोई पैकेज ही लेके। ये सब बस गेम है ना तुम्हारे लिए, तुम किसी भी हालत में बस जीतना चाहते हो। नहीं कंचन, मैं बस अपनी दोस्त वापस चाहता हूँ। दोस्त? अगर तुम अपने दोस्तों को ऐसे ट्रीट करते हो ना श्रवण, उनके पीठ पीछे, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत हम लोग के सामने जल्दी आ गई। क्या असलियत? उधर सुमन सिर्फ राइट और रॉन्ग देखती है। एटलीस्ट तुम तो समझो कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। श्रवण, तुम्हारा इसी गलत इरादा नहीं था सिर्फ, सुमन की तकलीफ कम हो जाएगी क्या? कल तो तुम घर से भाग गए थे, पर दोबारा मेरे घर वापस कभी मत आना। बिकॉज माइंड यू श्रवण, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मुंह छुपाने का भी टाइम नहीं दूंगी। वो नहीं आएगा कंचा। सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए होती, और वो तो हमने कल देख ही ली थी। चल, आई एम ब्रेव बोलने से ना कोई ब्रेव नहीं बन जाता, ब्रेव अपने एक्शन से बनते, जो तुम क्लियरली नहीं हो। लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ लगता है, पर लाइफ में किसी को पहली बार लगा है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं ब्रेव नहीं हूं, वो भी उसे जिसे मैं लाइक करता, इंप्रेस करना चाहता। हाँ फिर क्या, कह दिया मैंने उसे पंगा मत लेना अगली बार मेरे साथ। ये यहाँ क्या कर रहा है? चल चल कर देखते हैं। सुमन, तुमने खुद आगे बढ़ के सच बोला, बहुत बड़ी बात है। सब में ऐसी हिम्मत नहीं होती बेटा। थैंक यू बेटा। अरे आ गए तुम लोग। हाय। श्रवण ने मुझे सच बता दिया है कि डमरू की पार्टी का आइडिया इसका नहीं तुम्हारा था। तो असली वाला सच बताता, नंबर बना रहा है बस बड़े पापा के गुड बुक्स में रहने के लिए। वैसे कमाल के बड़ीज हो तुम लोग हैं, ये सबके सामने तुम्हारी तारीफ करना चाह रही थी और तुम हो कि गलत क्रेडिट लेने को तैयार ही नहीं हो। वेरी गुड, मैं तुम दोनों से बहुत इंप्रेस हूं। अरे डमरू जी, श्रवण को भी चाय पिलाओ। जी दद्दू। जरा मैं मेडिसिन लेके आता हूं। डमरू जी, पानी भिजवाना जरा एक गिलास। जी जी। तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम चाहो तो अभी चल के दद्दू और अंकल को सब सच बता दो।
आई प्रॉमिस एक स्टेप भी पीछे नहीं हटूंगा। फाइन, मैं ही सच बता देती हूँ। अच्छा सीरियस? मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है या तुझ पे। क्यों रोका मुझे? वो रट चुका है मुझे अब तेरा एक क्वेश्चन। कोई और बात करेगी? नहीं, क्योंकि मुझे ना तेरा आंसर अभी तक समझ ही नहीं आया। अरे अगर श्रवण बोल रहा था कि सच बता दे तो तूने? क्योंकि कल उसके इतने झूठ सुनने के बाद मैंने आज फाइनली एक सच सुना। पहली बार मैंने उसे इतना हिम्मत वाला काम करते हुए देखा। ओ हेलो, ये बड़े पापा वाली लाइन ना मुझ पर मत चिपका। थोड़ा आके सच क्या बक दिया? कोई ब्रेवरी वाला काम नहीं कर दिया उसने? सच बोलना जरूरी होता है, पर झूठ कन्फेस करके सच बोलना सच में ब्रेव है। मैंने उसे माफ नहीं किया है कंचा, बस उसकी हिम्मत को देख के इंप्रेस्ड हूं। इंप्रेस्ड? मिया, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बाजुड़ी की डांट मिलेगी? पूरे घर में वाह वाही होगी। पूरे घर की तो मुझे पड़ी नहीं थी यार, मैं सिर्फ सुमन की नजरों में डरपोक नहीं रहना चाहता। हाँ मियां, इसकी बातें सुनकर ना हमारा जो दिमाग है ना वो सुन पड़ गया है। जो काम करो, जो तिखास बढ़ा दो हा? तो हमारे अंदर की झंझनाहट है ना वो भी बढ़ जाएगी। डरो डालो। और तुम आजकल तुम्हारी बातें पल्ले ही नहीं पड़ती, इसके लिए ना हम जाने ही देते। सुनना, जाने दे बात को, इतना इरिटेट नहीं होते यार। आजकल मुझे लगता है मैं तुझे ठीक से जानती ही नहीं हूं। इंप्रेस्ड है कंचा? सूखा पूरी तो खाओ। मिया, इतने दुखी और गंभीर तो तुम तब भी नहीं थे जब बाइक छीन ली थी तुम्हारे बापू ने। ये हो क्या गया तुम्हें? हेलो, इधर सूखे पूरी को मना कर रही हो और उधर अपना चेहरा सुखा लियो। बंटी, इस वक्त मुझे बस एक ही चेहरे की परवाह, और उस चेहरे पे स्माइल देखने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता। इसलिए बस सॉरी कह रहा हूं, तुम ही ने सिखाया था। अब या तो माफ कर दो या इसी कैनन से उड़ा दो मुझे। डरूंगा नहीं, बस एक स्माइल कर दो यार। लगती है ना जैसे कंचे वाली भंटा।
देखते ही दिल खुश यार, मेरी दिल खुश बनता सुनो। यार मम्मा एक बात बताओ, जमाना कितना भी बदल जाए, घर पे वॉशिंग मशीन ड्रायर आ जाए, पर सुबह सुबह नहा धो के छत पे कपड़े सुखाने लड़के क्यों आती है? ले इतनी सी बात, कल से तू आ जाना कपड़े सुखाने छत पे। पर मैं इतना सुंदर नहीं लग सकता ना, कोई भी नहीं लग सकता यार। हाय पगला कहीं का, बातें करवा लो इससे बड़ी बड़ी। चल आके नीचे नाश्ता कर ले। घबराने वाली कोई बात नहीं है सुमन, सच बोलना है। सच बोल देना है और क्या, बड़ी सिस्टम की प्रेजेंटेशन अपने बड़ी के बारे में। पढ़ाई में हेल्प करने के अलावा अनीश ने मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाया। जब दूसरे स्टूडेंट्स ने मेरा फायदा उठाने की और मुझे गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की, तो अनीश ने मुझे लड़ने की हिम्मत दी। अनीश को थैंक यू कहकर मैं अपना बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म करता हूँ। शर्म भी नहीं आ रही से ये सब बोलते हुए। गुड जॉब साहब। अनीश अब तुम्हारी बारी, आओ। सर साहिब सारे पॉइंट्स कवर कर ही चुका है, अब इसमें और भी वीकनेसेस हैं, मैं इसके साथ उन पे वर्क करता रहूंगा। शायद तुम समझे नहीं अनीश, साहिब से तुमने क्या सीखा वो बताओ। नहीं सर, मैं रेडमार्क वाला स्टूडेंट हूँ, अनीश सर मुझसे, मतलब अनीश मुझसे क्या सीखता, सारा फायदा मैंने उठाया। हर स्टूडेंट में छोटा बड़ा कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, मगर अफसोस आप दोनों ने बड़ी सिस्टम के मकसद को ही नहीं समझा। नेक्स्ट सुमन तिवारी एंड श्रवण मल्होत्रा। मुझे लगता है कि कुछ भी सीखने में दो लोग शामिल होते हैं, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला, और बड़ी प्रोजेक्ट के अपने हिस्से में मैं फेल हुई हूं। जो कुछ भी
थोड़ा बहुत मुझे आता है पढ़ाई में, बर्ताव में, सही गलत के फर्क में, मैं अपने बड़ी को नहीं सिखा पाई। बड़ी प्रोजेक्ट के पहले वाले और अब वाले श्रवण मल्होत्रा में मैं कोई बदलाव नहीं ला पाई। लगता है ये एक एक करके सारे बड़ी सिस्टम को ही फेल कर देंगे। पर श्रवण ने मुझे कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। उसने मुझे सिखाया है किसी भी इंसान पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। जो वो कहे उसे मान नहीं लेना चाहिए। श्रवण ने मुझे सिखाया है कि सबसे पहले किसी भी इंसान को परख लेना चाहिए। थैंक यू। श्रवण, अब तुम्हारी बारी है। सर, मैम, सुमन फेल नहीं, पास हुई है। ये तो मेरे बड़ी की खास बात है कि इसे पता ही नहीं कि मैंने इसे कितना कुछ सीखा है। सुमन का आर्मी के लिए डेडिकेशन और रिस्पेक्ट देखकर मुझ जैसा लड़का भी हमारी आर्मी, उसकी वैल्यू, उसका डिसिप्लिन धीरे धीरे समझने लगा है। बड़ी प्रोजेक्ट से पहले मेरे लिए हर प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन था, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और बस बात खत्म। पर अब ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर ही लेता हूं। सुमन ने मुझे पेशेंस रखना सिखाया। मैंने आज तक बहुत बार गलतियां की और इसने मुझे हर बार डांटा, सिखाया, समझाया, पर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमेशा बस यही कहा कि गलती की है तो मानो, माफी चाहिए तो माफी मांगो, और अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसकी सजा भुगतो। और मैं बस अब यही चाहता हूं, मैं सजा चाहता हूं। मैं सजा चाहता हूं सेल्फिश होने की, दूसरों के इमोशंस को हर्ट करने की, शो ऑफ करने के लिए पीठ पीछे झूठ बोलने की, अपनी लाइन क्रॉस करने की, अपने प्रॉमिस तोड़ने की। मैं आप सबसे मेरी इन गलतियों की सजा चाहता हूं। वेल डन श्रवण, तुमने बड़ी प्रोजेक्ट से सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि खुद को बदला भी है। ऐसे गलती मानकर सजा मांगना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बढ़िया रिपोर्ट सुमन, शाबाश। और जहां तक रही गलती और उसकी सजा की बात, तो आर्मी में जब हम एक बार अपनी गलती मान लेते हैं तो उसकी सजा भी फिर खुद ही तय करते हैं। और इस एक्सपीरियंस को सुनकर मुझे लग रहा है कि इस बड़ी सिस्टम से और भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए ये बड़ी सिस्टम आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
मुंह से दे दे यार मुन्ना, नहीं तो मैं तुझे तल दूंगा कढ़ाई में। तू तो आज पिटने वाला। मुन्ना का स्टैंडर्ड इतना लो कैसे हो गया? पहली बार वेटर रखा, वो भी ये। अब इसमें मुन्ना की क्या गलती? वेटर भी लोगों का स्टैंडर्ड देख के रखना पड़ता है। अपने ड्रामे बंद करो श्रावण, तुम्हारी इन हरकतों से इंप्रेस नहीं होने वाली। सुमन जब यहाँ है ही नहीं तो इंप्रेस कैसे होगी? मैं तो बस खुद को सजा दे रहा हूँ, उसे तकलीफ दी है तो अब खुद को तकलीफ दे रहा हूँ। तू जितनी मर्जी तिकड़म लगा ले, पर पार्टी में जो हुआ है ना वो बदल नहीं पाए, निकल। पर मैं बदल रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.